सलमान की पसंद है पवन सिंह, तो मेकर्स की पसंद है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 13 की। और आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस घर के मेकर की पसंद है, कि वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री करें, लेकिन सलमान चाहते हैं पवन सिंह घर में आए, क्योंकि सलमान का मानना है पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बहुत है। पवन सिंह के गाने यहाँ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि खेसारी से पहले ये ऑफर पवन सिंह को आया था कि उन्हें बिग बॉस के घर में जाना है, लेकिन पवन सिंह ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। जी हाँ, पवन सिंह ऐसे किसी भी शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करें, और बिग बॉस का घर उन्हें उसी तरह का लगता है। वैसे पवन अक्षरा के विवाद में अक्षरा सिंह की बजाय पवन सिंह को ज्यादा फायदा हुआ। पवन सिंह के पास पहले ही बिग बॉस के मेकर और खुद सलमान खान भी ये चाहते थे कि इस शो में पवन सिंह आकर अपनी तरफ से, जो अभी तक उन्होंने अक्षरा सिंह के विवाद में कुछ नहीं बोला था, उसे वो आके बिग बॉस के घर में रिवील करें, लेकिन पवन सिंह ने इसे कतई मना कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए पवन सिंह को बहुत बड़ी रकम दी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने ये सब कुछ करने से मना कर दिया। इसके पीछे पवन सिंह ने अपने कमिटमेंट यानी वर्क कमिटमेंट को तो बताया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे किसी भी शो का हिस्सा वो बिल्कुल नहीं बन सकते जिसमें वो अपने पर्सनल मैटर को लोगों के सामने जग जाहिर करें। वैसे बॉलीवुड में सभी पवन सिंह की पॉपुलैरिटी से वाकिफ हैं। सभी जानते हैं कि पवन सिंह बहुत बड़े स्टार हैं। इतनी बड़ी रकम के बावजूद और सलमान खान के चाहने के भी बावजूद पवन सिंह बिग बॉस के घर में जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनके हिसाब से ये शो उनके फॉर्मेट का है ही नहीं। वैसे हम तो यहाँ यही कहेंगे कि पवन सिंह जाए या खेसारी लाल यादव, चाहे जो भी बिग बॉस के घर में जाए, नाम तो ऊंचा भोजपुरी इंडस्ट्री का होगा ही होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।